अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है ये। देखिए मुझे पहले से फैक्टर्स गिवन है और मुझे क्या निकालना है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन दोनों को मैं जीरोस के साथ रखता हूँ, है ना, जीरो जीरो के साथ रखूँगा। तो देखो क्या आता है, देखो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक्स आ जाएगा एक बार मेरे पे थ्री, राइट। तो एक मेरे पे एक्स आ गया थ्री। अब इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव, ये पॉजिटिव फाइव था इधर गया तो नेगेटिव फाइव, ठीक है। और एक्स हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू, ठीक है ना। तो देखो एक्स की दो वैल्यू आई। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक्स इंटू टू एक्स हो जाएगा बच्चों टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस एक्स इंटू ये हो जाएगा फाइव एक्स, ठीक है। माइनस थ्री इंटू टू एक्स हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, और फाइव थी माइनस फिफ्टीन। तो देखो इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यही आने वाला है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसके दो क्या बने, फैक्टर्स निकल गए, है ना। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो ये पूरा का पूरा, इसको मैं पूरे को सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू सिक्स। इस सिक्स को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, कोई भी एक्स स्क्वायर होता है उसको कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाले को। तो सिक्स टू जा ट्वेल्व, है ना, माइनस ट्वेल्व है पर मैं ट्वेल्व ही लिखता हूँ। ट्वेल्व के फैक्टर्स निकालते हैं। टू कितने जाओगा, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री। तो ये फैक्टर्स आ गए, एक टू टू जा फोर और एक थ्री, ठीक है। देखो फोर और थ्री, देखो बच्चों फोर और थ्री आ गया। अब यहाँ पे तो वन है, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि प्लस या माइनस करके या वन आ जाए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, फोर माइनस थ्री करूँगा तो वन, और फोर इंटू माइनस थ्री करूँगा तो माइनस ट्वेल्व आ रहा है। देखो ट्वेल्थ ना, टू इंटू माइनस सिक्स क्या होता है, माइनस ट्वेल्व। तो देखो आ गया ना। तो देखो मेरे ख्याल से आपको ये नाइन्थ में बहुत अच्छे से सीखा है आपने, और अगर नहीं सीखा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, नाइन्थ का पार्ट मैंने पूरा अच्छे से बताया है उस पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं आता तो ज़रूरी थोड़ी ना है, देखो हर चीज़ नहीं आ सकती ना इंसान को, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं करना पढ़ाई के मामले में, कोई बात है। नहीं आता तो पूछो डायरेक्ट। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में फैक्टर्स लेता हूँ, ये दोनों में टू एक्स कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस, यहाँ से थ्री कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स माइनस माइनस प्लस टू, ठीक है। मैंने बताया ये दोनों सेम आ गए तो सही है। तो एक बार आ गया एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, दूसरा आ गया टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो एक बार एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, टू एक्स इक्वल्स टू थ्री, और एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू। तो दो वैल्यू आ चुकी है मेरे पे, तो काफ़ी ईजी था ये भी, है ना। काफ़ी घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजीली करना है, डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।